सर, आज एक बहुत दुखद खबर सामने आया, इसके बारे में। जी, सबसे पहले तो ये जेन्युइनली बहुत ही शॉकिंग एक सूचना आज मिला है हम सभी को, और बहुत ही अफसोसजनक ये सूचना था, जिसमें जो है हमारे बहुत ही एक वीर और एक बहुत ही डायनामिक एक ऑफिसर जो इंस्पेक्टर छ्याम नमगिल जी जो लद्दाख पुलिस के हैं, वो नहीं रहे और वो शहीद हो गए। तो बहुत ही अफसोस है, और उनके साथ जो है उनके पूरे जो टीम जो एक मिशन में लगा हुआ था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची की उसमें पूरे इंडस लोअर इंडस में डूबने का एक सूचना मिला, तो पूरे यूटी डीआरएफ के टीम जो है वहाँ पे डिप्यूट हुए थे। तो आज जो है दूसरा दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो उसमें जो है क्योंकि उस पूरे एरिया में एक तो पानी का करंट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में फिर भी उन्होंने अपने जान के परवाह नहीं करते हुए पूरे टीम के साथ जो है फिर से जो है सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया था। तो अचानक से जो है उनका जो जिस बोट में वो रेस्क्यू के लिए निकले थे वो कैप्साइज हो गया, तो फ्लिप हो गया एक जगह पे, और उसमें जो है इंस्पेक्टर श्याम नमगिल जी वो गुजर गए, और एक अभी कहते हैं थोड़ा इंजर्ड है बट खतरे से बाहर है, और बाकी को तो ज़्यादा कुछ खास इंजुरी नहीं है, थोड़े बहुत इंजुरी है वो, लेकिन वो भी जो है कुछ डिस्चार्ज हो गए हैं, कुछ अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो जो है पूरे पुलिस कर्मियों से और साथ ही साथ जो है खासकर उनके परिवार से मैं बहुत ही उनके साथ संपत्ति रखते हुए उनके परिवार को और उनके फ्रेंड सर्कल को, उनके रिलेटिव्स को कंडोलेंस देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही काबिल और बेहतरीन ऑफिसर को आज हमने खोया है, तो इसका कोई इस लॉस को कंपनसेट करना बहुत मुश्किल है। मैं पर्सनली भी जो है उनको बहुत करीबी से जानता हूँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में है वो, अक्सर जो है मतलब बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर। जब भी कोई भी इस तरह का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन निकलता है, वो बिल्कुल बिना डरे हुए, बिना झिझक के बिल्कुल आगे सबसे फोर फ्रंट में निकल के रेस्क्यू करते हैं। अभी हाल ही में शे में भी किया था, उसमें भी जो है एक्सेप्शनल वो जो है अपना एक ड्यूटी को जो है वहाँ पे उन्होंने निभा के जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था। हम लोग एज अ फ्रेंड हम लोग अक्सर कहते थे कि थोड़ा अपने उसको भी रिस्क को भी ध्यान में रख के काम करो, एकदम बिल्कुल जज्बाती के साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं लगना चाहिए, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने जान का भी परवाह करना चाहिए, और थोड़ा सा एक केयर के साथ करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही पैशनेट एक ऑफिसर था, कहता है कि मैं अपना ड्यूटी करने में अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इस तरह का वो अक्सर कहते रहते थे। और हम पूरे फ्रेंड सर्कल में मतलब श्याम नमगिल बोले तो एक बहुत ही बोल्ड और एक ब्रेव जो है हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, ऑफिसर्स थे। तो आज उनका लॉस हुआ, तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर टुडे, तो बहुत ही ये दुख की बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा यूटी प्रशासन से, माननीय एलजी साहब से, कि जो भी पॉसिबल है, जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कंपनसेशन होना चाहिए, वो कंपनसेशन कोई उसकी लॉस जो लाइफ पे जो लॉस हुआ है वो उसका भरपाई तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करना चाहिए। और हाईएस्ट जो अवार्ड उनको कोई रिकग्निशन भी मिलना चाहिए, ही डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी करते हुए अपने जान के परवाह करते हुए जो है वो सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था, तो नहीं रहे। तो जो भी ब्रेवरी के लिए जो है उनकी ब्रेवरी के लिए जो भी एक रिकग्निशन मिल सकता वो कम है, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है बाकी भी इंस्पायर्ड होंगे और
लोगों को याद रहना चाहिए कि ऐसे भी एक ऑफिसर था जो हर वक्त जो है लोगों के जान बचाने के लिए जो है अपने जान के फिक्र करते हुए जो है ड्यूटी में लगता था। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर की कदर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूरे जो है हमारे जो जो UTDRF जो एक हमारा जो पूरा एक टीम बना है उसको अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। उसके जो हमारे जो इक्विपमेंट्स जो है लेटेस्ट अप टू डेट होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है एक वेल ट्रेन हमें पूरा टीम भी बनाने की ज़रूरत है। और हमेशा भी कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक बैकअप टीम भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में जो है ताकि जो है इमीडिएटली जो है उनको अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे रेस्क्यू कर पाए। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा एक रिव्यू ले, ऑनरेबल LG साहब इसके ऊपर एक रिव्यू लेना चाहिए। ये पूरा जो है UTDRF को हम किस तरह से एक स्ट्रेंथन और सक्षम बना सकते हैं। और छोटे छोटे हमारे अपने ही गलतियों के कारण जो है ऐसे ऑफिसर्स की जब लाइफ लॉस होता है तो दिल में उससे बहुत चोट पहुंचता है। मैं साथ ही साथ जो है ये पूरे तकमा छेक दोमखर और ये स्क्यूबूचन अचीना था उन सभी लोगों को, गांव वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी जो है बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है ये इन लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन में थे जिनके बोट कैप्साइज़ है उनको वहाँ से बचा के लाने में जो है उन सब का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। उन्होंने भी जो है गाँव वालों ने भी जो है जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पानी में एकदम वो कूदने लग गया, वो भी उन्होंने भी जो है अपने जान के परवाह ना करते हुए उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने में लग गया है। अगर गांव वालों का इसमें सहयोग नहीं रहता, वो अगर इस जो जो हमारे बोट कैप्साइज हो गया, हमारे जो ऑफिसर्स और जो पुलिस कर्मी लोग थे UTDRF के लोग हैं उनको निकालने के लिए अगर वो नहीं वहाँ पे टाइमली पहुँचते तो शायद इससे ज़्यादा थोड़ा सा हादसा हो सकता था। लेकिन उनके टाइमली रिस्पॉन्स से जो है काफ़ी सारे लोग बच गए। तो मैं उन गाँव वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे तरफ से एज LHDC जो भी पॉसिबल होगा हम जो है हमारे तरफ से जो भी पॉसिबल कंपनसेशन हो सकता है वो हम करेंगे। और हमारे तरफ से जो भी पॉसिबल एक रिकग्निशन के लिए हमें जो काम करना है हम वो करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय ऑनरेबल LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पॉसिबल इनके लिए कर सकते हैं कीजिए। LG साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उन्होंने जो है काफ़ी सारे इसमें जो है इमीडिएट एक एक्शन उन्होंने तुरंत किया। और उन्होंने जो है ADGP साहब से भी शायद बात किया, मुझे भी LG साहब जो आज सुबह इन्फॉर्म कर रहा था और उन्होंने मुझे भी पूरा आश्वासन दिया कि इस पूरे जो अभी जो हादसा हुआ है उनको जो भी कंपनसेट करना है हम पूरा UT एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा, एक बार फिर से जो है मैं उनके परिवार से जो है सॉरी कहना चाहूँगा और कंडोलेंस करना चाहूँगा। एंड टुडे आई थिंक वी हैव एक हमने बहुत ही एक हुशार और एक ऑनर एक ऑफिसर को खोया है, तो उसका बहुत ही दुख है हम सभी को।